कितना अंधेरे में लकड़ी रखाता है। अभी जा रही है दीदी निकालने। देख सकते हैं आप लोग। हेलो दोस्तों, सबको गुड मॉर्निंग। और देखिए कहाँ पहुँचे। और अभी सुबह के टाइम अभी बज रहा है। लाइट भगा दी थी इसीलिए आज चूल्हा लूप लीप रहे हैं। लाइट भाग गया था इसीलिए 4 बजे चूल्हा लिपा रहा है ना। 5 बज गया है। मम्मी को बार बार मम्मी केसवा पानी में रह लाइट कब कटा है। लाइट है 3 से 5 कट गई है। हम तब जगह बड़ी देना खाई सब लगता है तो बताना चाहिए ना। ना कहे टाइम अभी बज रहा है 5:30 और झाड़ू वाड़ू लग गया है। अब बर्तन धो रहे हैं। आप लोग हमारे ब्लॉग पे चाहिए और आप लोग कमेंट करके जरूर कर और लाइट आज लाइट कर चुकी थी। 2 बजे लाइट कर चुकी है और उठ कर एकदम छत पर घूमने जा रही है। तो हम बर्तन धोने जा रहे हैं। ठीक है आप लोग बर्तन मजा गया है धोना। इतना सुबह सुबह उठ कर देखिए हम लोग बर्तन उतने झाड़ू मरा गया है और इधर वो छत पे हमारी परी छत पे है। छत पर देखिए बर्तन धोना जा रहे हैं धोने। तो बर्तन धो चुका है देख सकते हैं। अब जा रहे हैं ब्रश करेंगे फिर मन कर नहाने का। तो हम जा रहे हैं पहले बर्तन पर रख देते हैं और लाइट भी नहीं है क्योंकि तो चारों को नहा लें। मेरे सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहे हैं और अभी देखिए दर्द देरी नहीं जा रही है और इधर हम इतना धोए हैं जा रहे हैं रखने। अब ब्रश करेंगे पहले बहुत ज़्यादा सर में दर्द हो रहा है पता नहीं। और आज तो हम जल्दी भी गए थे अभी नींद भी नहीं पूरा हुआ है और जाते हैं। आप लोग लोग भी ऐसे बने रहिए। पहले भी हम बर्फ कर रहा हूँ और लाइट नहीं है ना तो नहीं तो नहा लेते। सर में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहे हैं। हमारे दीदी का हाथ लसर फसर कर रहा है। बर्तन मार दिए चूल्हे पर का जिससे कि एक अभी देखिए खाना क्या बनता है तो आप लोग को दिखाते हैं। आप बनाएंगे पहले चाय तो आप लोग ब्लॉग में से बने रहिए। पहले बरस वरस कर लिए हैं अब जा रहे हैं चाय बनाने। देखते हैं दूध लग गया या नहीं। आप लोग ब्लॉग में से बने अभी खाना बनने जा रहा है। आलू लेकर आ रहे हैं और देखिए दाल चलेगा तो आप लोग ऐसे ही ब्लॉग बने रहिए। और वो भी देखिए चावल उवल भी आ चुका है और इधर आलू है। देखिए दाल बनता है या की सब्जी।
तो आप लोग ब्लॉग में बने रहिए। हम लोग का जिंदगी कैसा है तो देखिए, यहाँ पर सारा लकड़ी रखाया था जो भून गया है। तो देखिए लकड़ी निकल गया है इधर आग जलाने के लिए। कितना अंधेरे में लकड़ी रखाता है, सांप वगैरह काट लेगा तो फिर सुहा हो जाएंगे हम लोग। चलते हैं लकड़ी लेके, चलते हैं। तो देखिए अभी खाना बन रहा है चूल्हे पर, लिया चलेगा चलता है तो नहीं जलाया जाएगा। अभी पन्नी आ रहा है जाए के लिए सारे करेंगे। तो देख सकते हैं अभी आग जलाए टीशन, देख लीजिए आप। साइकिलो पकड़ देते हैं ओके, तो साइकिलो पकड़ आए पर्सल ले गए, पर्सल की वीडियो बना हां बहुत ही। हमारे यहां कौन सा चावल बनता है ये है देखिए, चावल जो इसकी बनती है चावल बात। और अभी इधर आलू है, उधर आग जला दी है दीदी, पहले बाल देते हैं। आप लोग बिहार में कौन सा चावल खाया जाता है? ये है चावल और ये है आलू, इधर है चूल्हा और इधर देखिए दाल कैसे दरा जा रहा है। देख सकते हैं आप लोग कैसे दाल दरा जा रहा है। हमको तो थोड़ा सा भी दाल दरने का, हमारे यहाँ ऐसा कभी हम देखे भी नहीं थे और यहीं पर देखते हैं ऐसा। देखिए कौन सा दाल है, मूंग का दाल है, मूंग है ना, मूंग का दाल है ये छोटा छोटा। तो देखिए चूल्हा जल चुका है खाना बनने के लिए। तो अभी बनी रही आप लोग ब्लॉक में कुछ काम। तो देखिए गाइस अभी इधर दाल चावल हो रहा है और इधर आ गई है दूध लेकर, बोल रहा है कि गाय लगा दीजिए चाय बना। देखिए मैं लगा रही हूँ गाय, एक दूध देती है बहुत फास्ट दूध। तो आप लोग बोले नहीं, अब की आप लोग $200 बनवा दीजिए, मुझे पैसे की बहुत ज़रूरत है, मुझे बहुत ज़रूरत है पैसे की। कम से कम मेरा 20,000 रुपये आ जाएगा तो एक काम जरूर हो जाएगा। हर हमेशा हमारे ब्लॉग में उल्टा सीधा बोलते ही रहती हूँ, जबकि हमारे बुढ़िया दादी हैं जो सही चला रही हैं। और अभी जल चुका है अच्छे से और इधर हमारी दीदी दाल कर रही है। चेहरा नहीं दिखा सकते हैं, इनका चेहरा तो दिखा सकते हैं। सबके बड़े के हटा देते हैं। बोला
यहाँ से हम अमरूद उठा रहा है, बोल ही नहीं पा रही, सीधा है इतना उसको बैठे हम ढूंढ लगे रहेंगे। एक बार बैठे थे ना, हम गिरिए गए थे और ये हमारे चावल में बहुत ज़्यादा घूम हो रही है, इसके तो पता नहीं इतना घूमने का हमें पड़ जा रही है। उसको अब छपा के बहा जाएगा पानी हम निकल, अरे इसको बांध दिया हम कर देंगे ठीक है। आ चुका है दूध, दाल डर दी है, अब दाल बन गया इसका देखते अच्छा। अरे बाप रे जल रहा है बहुत तेज, जल रहा है देखिए आप लोग। थोड़ा सा टाइम जा रहे हैं चाय बनाने और दाल में दूध डला दिया, इधर दूध आ चुका है और इधर चाय बना रहे हैं, इधर गैस चालू हो गया है। आप लोग को चाय पीना है तो हमारे घर आ जाइए, और आज इतना दूध दी है गाय, बहुत कम दे रही है क्योंकि तबीयत खराब हो गई है गाय की।